हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनास किचन। आज हम बना रहे हैं बटरी मटर पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपात डालेंगे, 2 से 3 काली मिर्च डालेंगे, 3 लौंग डाल देंगे, 1 लूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप करके ले लिए। हम सॉफ्ट होने देंगे, 1 से 2 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। ये मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, इन्हें डाल देंगे। चार से पांच हरी मिर्च लिए हैं, आप जितना मर्जी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसको पकने के लिए हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून घर का कुटा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, 1 ड्राई धनिया पाउडर, हम घर की कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और हम इसे सॉफ्ट होने तक ढककर पकाएंगे। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, 3 से 4 मिनट में ये अच्छे। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया था और हमने इसे पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ली है, उसमें डालेंगे हम 1/2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 कॉल घर का बना हुआ बटर, 1/2 टीस्पून कुछ काजू,
इन्हें इसमें फ्राई कर लेंगे। एक टीस्पून ले लूँ कश्मीरी लाल मिर्च, मसाला जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आधी चम्मच हम भुना हुआ पिसा हुआ जीरा लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये जो मिक्सचर है इसे हम डाल देंगे। अच्छे से चलाएंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर चलाकर पकाना है। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से पक रही है। अब हम वहाँ पर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने जार में लगा हुआ मसाला था, उसी में पानी डालकर ऐड कर दिया है। इसे हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा बाउल मटर डाल दूंगी। ये मैंने 1/2 kg मटर छील के ले ली थी। अब हम इसे फ्लेम को स्लो करके पकने देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स पनीर को क्यूब कट करके ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसे 5 मिनट और ढककर पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे, के लच्छे डाल देंगे। ये देखिए हमारी बटरी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी बटरी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।